गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल स्टार्ट योर SST क्लास ऑनलाइन. डियर स्टूडेंट्स, फॉर क्लास सेकंड, टुडे इज आवर टॉपिक इज चैप्टर नंबर 7, हेल्पिंग हैंड्स. डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो एक्सरसाइज नंबर ए है चैप्टर 7 के अंदर, वो है टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट हमारा क्या है क्वेश्चन, एक ग्रोसर सेल, जो ग्रोसर होता है वो किसकी सेल करता है. तो ऑप्शन ए है सीरियल्स, बी है शुगर, सी सॉल्ट, डी ऑल ऑफ दीज. तो क्या आएगा इसके अंदर, डी ऑल ऑफ दीज. डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है. सेकंड क्वेश्चन है डैश डिजाइन बिल्डिंग्स, कौन है जो बिल्डिंग्स का डिजाइन करता है. तो सी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, आर्किटेक्ट, ARCHITECT, सी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है हु फिक्स एंड रिपेयर पाइप्स एंड टैप्स, कौन है जो पाइप्स और टैप्स को फिक्स करता है और रिपेयर करता है. तो क्या आएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है, प्लम्बर, PLUMBER, प्लम्बर. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज नंबर बी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिव इन द बॉक्स. ये जो बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग इन फिलअप्स को फिल करना है. फर्स्ट क्या है, एक ग्रीन ग्रोसर सेल डैश एंड वेजिटेबल्स, जो ग्रीन ग्रोसर होता है वो किसके साथ वेजिटेबल्स भी बेचता है. तो क्या आएगा, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स. सेकेंड है एक केमिस्ट सेल डैश, जो केमिस्ट होता है वो क्या सेल करता है, मेडिसिंस, MEDICINES, मेडिसिंस. थर्ड है ए वेटर सर्व कस्टमर इन ए डैश, जो वेटर होता है वो कस्टमर्स को क्या, कहाँ पर सर्व करता है. तो क्या आएगा, रेस्टोरेंट, RESTAURANT, रेस्टोरेंट. फोर्थ है ए डैश रिपेयर फर्नीचर, कौन है जो फर्नीचर को रिपेयर करता है, कारपेंटर, CARPENTER, कारपेंटर. एक्सरसाइज नंबर सी है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. टी लिखना है ट्रू स्टेटमेंट के लिए और एफ लिखना है फॉल्स स्टेटमेंट के लिए. तो फर्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ए टेलर ट्रीट अस व्हेन वी फील सिक, जो टेलर होता है जब हम बीमार होते हैं तब हमें ट्रीट करता है. तो इसके अंदर क्या आएगा, फॉल्स आएगा. सेकंड है ए नर्स लुक आफ्टर सिक पीपल, जो नर्स है वो बीमार लोगों को डॉक्टर के देखने के बाद देखती है. तो ये क्या है, ट्रू है. थर्ड है ए सेफ ग्रो फूड फॉर पीपल टू ईट, जो सेफ होता है वो ग्रो करता है, फसल को उगाता है, भोजन को उगाता है. तो ये क्या आएगा, फॉल्स है, क्योंकि सेफ उसको पकाता है ना कि उगाता है. तो क्या आएगा, फॉल्स. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेम द थिंग ए ग्रीन ग्रोसर एंड बेकर सेल, उन चीजों के नेम बताने हैं जो एक ग्रीन ग्रोसर बेचता है और एक बेकर बेचता है. तो ग्रीन ग्रोसर हेडिंग डालेंगे, ग्रीन ग्रोसर सेल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. ग्रीन ग्रोसर जो है वो फ्रूट और वेजिटेबल्स बेचता है, फल सब्जियां बेचता है, फ्रूट्स, FRUITS, फ्रूट्स. और वेजिटेबल्स की स्पेलिंग क्या होगी, VEGETABLES, वेजिटेबल्स. नेक्स्ट क्या है, बेकर, बेकर सेल्स केक ब्रेड्स एंड बंस, जो बेकर है वो क्या बेचता है, केक ब्रेड्स एंड बंस बेचता है. तो ग्रीन ग्रोसर फ्रूट एंड वेजिटेबल बेचता है, बेकर बेचता है केक ब्रेड एंड बंस. सेकेंड क्वेश्चन है What does an electrician do? एक जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो क्या करता है. An electrician fixed and repair lights, wires, etc. जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो फिक्स करता है या रिपेयर करता है लाइट्स को और वायर्स को. An electrician fixed, FIXES, and repairs, 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 lights, LIGHTS, लाइट्स, वायर्स, WIRES, वायर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज ए प्लम्बर एंड ए मिल्कमैन डू, एक प्लम्बर और एक मिल्कमैन क्या करते हैं. तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्लम्बर, पाइप एंड टैप्स आर रिपेयर बाय ए प्लम्बर, पाइप्स एंड टैप्स आर रिपेयर्ड बाय ए प्लम्बर, PIPES, पाइप्स, एंड TAPS, taps are REPAIRED, repaired by a plumber, PLUMBER. सेकेंड क्या था, मिल्कमैन, ए मिल्कमैन ब्रिंग अस मिल्क, जो दूध वाला है वो हमें दूध प्रदान करता है, ए मिल्कमैन ब्रिंग अस मिल्क.
सो डियर स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड इन दीज क्वेश्चन आंसर्स एंड दीज एक्सरसाइज यू ऑल्सो लर्न एंड राइट दीज क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक्स शुड बी नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग थैंक यू गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से बच्चों आज मैं करा रही हूँ कक्षा दूसरी के लिए सेक्शन बदलवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र तो सबसे पहले अपनी नोटबुक की फर्स्ट लाइन में ये हेडिंग लिखेंगे उसके बाद पत्र लिखना शुरू करेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा तिथि 25 अगस्त 2020 विषय सेक्शन बदलवाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा दूसरी बी का छात्र हूँ मेरे गांव के सभी बच्चे सेक्शन ए में पढ़ते हैं जब भी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तब मुझे गृह कार्य जानने में परेशानी होती है अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें आपकी अति कृपा होगी धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या नाम मनोज मैंने यहाँ मनोज लिखा आपको अपना नाम लिखना है कक्षा दूसरी रोल नंबर 7 एक बार फिर से करते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा तिथि 25 अगस्त 2020 विषय सेक्शन बदलवाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा दूसरी बी का छात्र हूँ लड़कियाँ लिखेंगी की छात्रा हूँ मेरे गांव के सभी बच्चे सेक्शन ए में पढ़ते हैं जब भी कभी मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी होती है तब मुझे गृह कार्य जानने में परेशानी होती है अतः आपसे निवेदन है कि मेरा सेक्शन बदलने का कष्ट करें आपकी अति कृपा होगी धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारी शिष्या नाम मनोज आपको अपना नाम लिखना है कक्षा दूसरी रोल नंबर 7 तो बच्चों ये जो मैंने आपको पत्र लिखवाया है आप सभी को अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में पत्र लिखना है और याद करना है तो बच्चों कल फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लास MLP स्कूल राजपुरा आई एम पूनम टुडे वी आर डूइंग सम बेसिक्स क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर टुडे वी आर डूइंग MCQ क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट है एंटरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डैश कंप्यूटर में डाटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट करने के लिए हम कौन से डिवाइस का यूज करेंगे इनपुट डिवाइस वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड डैश डाटा पे ये प्रोसेसिंग या वर्किंग ऑन डाटा इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस नेक्स्ट है आवर ब्रेन वर्क सिमिलर टू द हमारा जो ब्रेन होता है किसके सिमिलर वर्क करता है CPU CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कीबोर्ड इज यूज फॉर टाइपिंग एंड मॉनिटर इज यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट नेक्स्ट वन इज डैश एक्ट एज आउटपुट डिवाइस की तरह काम कौन करता है कीबोर्ड का काम होता है टाइपिंग माउस का होता है ड्रॉ द पिक्चर नेक्स्ट है मॉनिटर का होता है डिस्प्ले रिजल्ट तो यहाँ पे क्या होगा मॉनिटर इज द आउटपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड एंड माउस बोथ आर इनपुट डिवाइस तो यहाँ पे होगा मॉनिटर एक्ट एज एन आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड नेक्स्ट क्या है फिलअप्स
फर्स्ट है ए कंप्यूटर वर्क ऑन थ्री बेसिक स्टेप्स। ये जो कंप्यूटर होता है वो थ्री बेसिक स्टेप्स पे वर्क करता है। कौन से थ्री बेसिक स्टेप्स होते हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट जो हम डाटा एंटर करते हैं, देन क्या होती है? प्रोसेसिंग, और उसके बाद रिजल्ट डिस्प्ले आउटपुट। नेक्स्ट सेकंड है कीबोर्ड इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कीबोर्ड का जो काम होता है वो क्या होता है? डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर करना। नेक्स्ट है सीपीयू प्रोसेसेस इनपुट एंड गिव द करेक्ट रिजल्ट। सीपीयू का काम क्या होता है? प्रोसेसेस जो हमने इनपुट किया है उस पर प्रोसेस करना, देन गिव द करेक्ट रिजल्ट। नेक्स्ट है द कंप्यूटर डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द मोनिटर। जो कंप्यूटर होता है वो आउटपुट कहाँ पे शो करता है? मोनिटर पर। मोनिटर इज आउटपुट डिवाइस, और मोनिटर क्या होता है? लुक लाइक ए टीवी। नेक्स्ट है द एक्यूरेसी ऑफ आउटपुट डायरेक्टली डिपेंड ऑन इनपुट। जो कंप्यूटर में जो एक्यूरेसी होती है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करती है? जो हमने इनपुट किया है, जो हमने डाटा। So every student do all work in pair notebook. Thank you. Have a nice day. Hello. Good morning, students. So let me start our online classes of math for second class. कल हमने की थी exercise 7.3. आज है हमारी exercise 7.4. Word problem. हम money पे discuss कर रहे थे, उसी पर ही हमारी exercise पूरी complete है। तो हमने ऐड और सब्ट्रैक्शन कर लिए थे मनी रुपीज में और पैसों में। आज वर्ड प्रॉब्लम है ऑन दिवाली रजनी 140 रजनी स्टैंड 146 रुपीज एंड 50 पैसे। ऑन सीड्स क्या खरीदती है? सीड्स मिठाइयाँ। एंड और 186 रुपीज 20 पैसे कैरेट्स क्रैक्स सॉरी। हाउ मच मनी डिड सी स्प्रिंग इन ऑल। रजनी ने टोटल कितने रुपीज शॉपकीपर को दिए हैं ये बताना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 0 + 0 = 0 5 + 2 = 7 70 पैसे 6 + 6 = 12 12 का 2 1 कैरी 8 और 1 9 9 के बाद 10 11 12 13 13 का 3 1 कैरी 1 2 3 रजनी ने टोटल कितने रुपीस खर्च किए? टोटल रुपीस 332 रुपीस एंड 70 पैसे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसी के साथ हमारा द प्राइस ऑफ पेंट। पेंट खरीद रहा है कोई भी एक जेंट्स। पेंट के रुपीस है उसके पास रुपीस ₹210.40। ओके, उसके बाद एंड द प्राइस ऑफ शर्ट। इसको आप पूरा भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 को द प्राइस ऑफ पेन। इसके बाद नीचे लिखेंगे द प्राइस ऑफ शर्ट। शर्ट के प्राइस है 105 रुपीज एंड 75 पैसे। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेयर, मतलब इन दोनों को मिला के पेयर होता है दोनों कंप्लीट कॉम्बो। तो लिखना है द टोटल कॉस्ट ऑफ पेयर। टोटल कॉस्ट ऑफ पेयर
इन दोनों को ऐड करेंगे, पैंट और शर्ट कंप्लीट पेयर तब बनता है तब दोनों चीजें साथ आती है। तो देखो क्या करेंगे, पैसे है ये हमारे पास, जीरो में किसी चीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बता रखा है, सेम डिजिट। ऐड करेंगे सेवन में फोर, सेवन लाइन ड्रॉ करेंगे, सेवन लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सेवन तो है, फोर लाइन ड्रॉ, वन टू थ्री फोर, सेवन के बाद काउंट करेंगे एट नाइन टेन इलेवन, इलेवन। देखो क्या करते हैं कई बच्चे, यहीं इलेवन लिख देते हैं जो गलत होता है, यहाँ इलेवन नहीं लिखना आपको, यहाँ वन लिखना है, वन कैरी इसके ऊपर चली जाएगी। ओके, फाइव वन सिक्स, वन में जीरो ऐड करेंगे वन, टू में वन ऐड करेंगे थ्री, 316 रुपीस 50 पैसे। ये हमने टोटल रुपीस दिए हैं शॉपकीपर को पैंट एंड शर्ट की। ओके, अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, राइट कर लीजिए, जिस बच्चों को समझ में नहीं आया वो धीरे धीरे इसको समझिए, इसमें ऐड करना है और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, सेकंड अभी राइट ही है, आप कर सकते हो। हरी ब्रोक ए स्टोरी बुक फ्रॉम 120 रुपीज एंड 50 पैसे। हरी एक लड़का है जो स्टोरी बुक खरीदता है, क्या खरीदता है, स्टोरी बुक, स्टोरी बुक। ऊपर लिखना है रुपीज, एक तरफ पैसे, 120 रुपीज एंड 50 पैसे। ओके, हरी ने स्टोरी बुक खरीदी, हरी ओके ये लिख दिया है मैंने नाम, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्टोरी बुक किसकी है। हरी ने स्टोरी बुक खरीदी 120 रुपीज एंड 50 पैसे। उसके बाद वो खरीदता है एंड द एक्सरसाइज बुक, तो हरी खरीद रहा है वापस एक्सरसाइज बुक। हरी ब्रॉट ए एक्सरसाइज बुक, बुक, हरी ने पहले स्टोरी बुक खरीदी है और उसके बाद अब वो एक्सरसाइज बुक खरीद रहा है, बुक डिपो पे खड़ा हुआ है किसी भी बुक सेलर के पास। वो आई है उसकी 15 रुपीज 90 पैसे। ओके, लास्ट में पूछ रहा है हाउ मच डिड, एंड वो पूछता है कि उसने बुक सेलर को, हरी ने बुक सेलर को कितने रुपीज दिए, अब हमें वो बताना है। टोटल रुपीज, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उधर मैंने लिख रखा है रुपीज एंड पैसे, इसको ऐड करना है हमें, बिल्कुल सिंपल, जीरो में जीरो को ऐड करेंगे जीरो, नाइन नंबर लिखा हुआ है ऊपर कितना है फाइव, फाइव लाइन ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, नाइन के बाद काउंटिंग शुरू करेंगे टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, 14 का 4 लिखना है, ध्यान रखना है ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यहाँ 14 का 4 ही आएगा, 1 ऊपर कैरी जाएगा, कभी 14 का 14 राइट कर दो क्वेश्चन गलत हो जाए। 5 और 1 6, 2 and 1 3, 1 का 1, 136 रुपीज 40 पैसे। हरी ने टोटल बुक खरीदी है 136 रुपीज 40 पैसे। ये क्वेश्चन राइट कर लीजिए, तब तक मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, एट ए शॉप मधु ब्रॉट ए टॉय कार। मधु एक लेडीज है कोई भी, मधु वो खरीदती, क्या खरीदती है, एक टॉय कार। टॉय कार मतलब बच्चों का, बच्चों की जो खेलने की गाड़ी होती है वो खरीद रही है, वो खरीद रही है, उसने 250 रुपीज, 250 रुपीज। ओके, एंड डॉल फोर, और एक डॉल खरीदती है, क्या खरीदती है, मधु ब्रॉट ए डॉल, एक डॉल खरीद रही है,
उसकी प्राइस है 138 रुपीज 50 पैसे। हाउ मच सी हैड टू पे टू द शॉपकीपर, वो पूछ रही है कि मधु ने टोटल शॉपकीपर को कितने रुपीज दी टोटल, तो क्या करेंगे ऐड करेंगे, जहां टोटल आ गया वहां ऐड होगा, जीरो में जीरो जीरो, जीरो में फाइव, फाइव का फाइव, ये आपको बता रखा है जीरो किसी भी चीज में ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो सेम डिजिट आएगी, जीरो में एट वही सेम पोर्शन एक डिजिट, फाइव में थ्री ऐड करेंगे, फाइव के बाद सिक्स सेवन एट, टू में वन ऐड करेंगे थ्री, टोटल कितने रुपीज हो गए 388 रुपीज एंड 50 पैसे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया है, आपको ये थोड़े क्वेश्चन टफ है इसलिए होमवर्क में ये दोबारा ही करने हैं आपको, ठीक है। एस डब्ल्यू क्वेश्चन 1, 2, 4 डू अगेन। ओके और क्वेश्चन 1, 2, 3 3 क्वेश्चन बच गए जो हम कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी स्टार्ट, सब्जेक्ट इज इंग्लिश रीडर, क्लास सेकंड, लेसन 7। टुडे वी डूइंग लेसन 7, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज डी ऑफ योर टेक्स्ट बुक, दैट इज क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, हु सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस का त्यौहार कौन मनाता है, हु सेलिब्रेट क्रिसमस, क्रिसमस कौन मनाता है, आंसर राइट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हियर आंसर, क्रिश्चियंस सेलिब्रेट क्रिसमस, आंसर इज क्रिश्चियन सेलिब्रेट क्रिसमस, सेलिब्रेट क्रिसमस इज रिटन फ्रॉम हियर एंड यू एड ओनली क्रिश्चियंस, स्पेलिंग इज सी एच आर आई एस टी आई ए एन एस, क्रिश्चियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज बोर्न ऑन 25th दिसंबर, 25th दिसंबर को किसने जन्म लिया था, आंसर होगा आपका जेसस क्रिस्ट, आई रिपीट अगेन जेसस क्रिस्ट, स्पेलिंग इज जे ई एस यू एस जेसस क्रिस्ट, सी एच आर आई एस टी जेसस क्रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू पीपल गो ऑन क्रिसमस, लोग क्रिसमस पर कहाँ जाते हैं, आंसर पीपल गो टू द चर्च, लोग चर्च में जाते हैं, पीपल गो टू द चर्च। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4, व्हाट डू पीपल सेंड टू देयर फ्रेंड्स, लोग अपने दोस्तों को क्या सेंड करते हैं, क्या भेजते हैं, आंसर इज पीपल सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स, आंसर क्या होगा आपका पीपल सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स, लोग ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज ई, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन 1, व्हेन इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड, क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, आंसर इज क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर, क्रिसमस 25th दिसंबर 25 दिसंबर को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, आई रिपीट अगेन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर। क्वेश्चन 2, हाउ डू पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, लोग इस त्योहार को किस तरह मनाते हैं, आई रिपीट अगेन हाउ डू पीपल सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, लोग इस त्योहार को किस तरह से मनाते हैं, आंसर इज पीपल सेलिब्रेट विथ ग्रेट फेथ एंड मेरीमेंट, फेथ मीन्स होता है आस्था विश्वास, और जो भगवान पे आस्था होती है दिस इज फेथ, मैरिमेंट मीन्स इंजॉयमेंट यानी उत्साह के साथ, तो लोग इस त्योहार को बहुत ही आस्था के साथ और उत्साह के साथ मनाते हैं, आई रिपीट अगेन पीपल सेलिब्रेट विथ
ग्रेट फेथ एंड मैरिमेंट। लोग इस त्योहार को बहुत आस्था और उत्साह के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु गेव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू चिल्ड्रंस, सॉरी हु गेव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू चिल्ड्रन, बच्चों को गिफ्ट उपहार कौन बांटता है? आंसर इज सेंटा क्लॉज। कौन बांटता है? सेंटा क्लॉज गेव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू चिल्ड्रन। दिस लाइन इज फ्रॉम योर क्वेश्चन। ओके, यू राइट ओनली सेंटा क्लॉज और गेव गिफ्ट एंड स्वीट्स टू चिल्ड्रन। दिस इज फ्रॉम हियर। I repeat again, Santa Claus gave gifts and sweets to children. Santa Claus बच्चों को गिफ्ट उपहार और मिठाइयाँ बांटता है। Spelling is S-A-N-T-A, Santa, C-L-A-U-S, Claus. Next question is question number 4. What do children do with the Xmas tree? लोग बच्चे जो है वो एक्समस ट्री के साथ क्या करते हैं? आंसर इज चिल्ड्रन प्लक गिफ्ट्स फ्रॉम द ट्री। बच्चे पेड़ से गिफ्ट जो होते हैं उसको तोड़ते हैं। चिल्ड्रन प्लक, बच्चे तोड़ते हैं गिफ्ट्स फ्रॉम द ट्री। बच्चे गिफ्ट यानी उपहार तोड़ते हैं कहाँ से? पेड़ से। ओके डियर स्टूडेंट्स, Now we are doing some book exercise, fill in the blanks. Exercise B, fill in the blanks. First is the main festival of Christians is. Christians का main festival क्या है? Christmas या Good Friday. तो main festival is Christmas. क्या लिखोगे? Christmas. Okay. C-H-R-I-S-T-M-A-S, Christmas. Second is, it is celebrated on dash 25th December or 26th January. ये कब मनाया जाता है? 25th December को या 26th January को? तो it is celebrated on 25th December. This is true answer. 25th December आप write करोगे यहाँ पे. Third is, dash are decorated and painted. This spelling is mistake. यहाँ आएगा painted आपका P-A-I-N. P-A-I-N-T-E-D. Painted. Okay. Dash are decorated and painted. किसको decorate किया जाता है और paint किया जाता है? Church और temple. तो यहाँ Christmas की बात हो रही है तो Christmas के दिन हम church को decorate और paint करते हैं. Churches. Spelling is C-H-U-R-C-H-E-S, churches. Okay. Fourth is dash distributes gift and sweets to children. बच्चों को गिफ्ट उपहार और मिठाइयाँ कौन बांटता है? Everyone या Santa Claus. तो कोई भी Santa Claus के dress up करके ही मिठाइयाँ और gifts बांटता है. तो the answer is Santa क्लोज. आंसर इज सेंटा क्लोज. S-A-N-T-A, सेंटा, C-L-A-U-S, सेंटा क्लोज. राइट हेयर. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी राइट करना है एंड फॉल्स स्टेटमेंट के लिए एफ. ओके, फर्स्ट इज जेसस क्रिस्ट इज कंसीडर्ड एज द सन ऑफ गॉड. जो जेसस क्रिस्ट है वो उसको क्या माना जाता है? भगवान का पुत्र माना जाता है. तो यस, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. राइट हेयर टी. क्या राइट करोगे? टी. दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. पीपल डू नॉट ग्रीट अदर्स विथ मैरी क्रिसमस. मीन्स लोग दूसरों को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाइयाँ नहीं देते हैं. तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. लोग दूसरों को एक साथ मिलकर सभी एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयाँ देते हैं. दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. थर्ड इज पीपल डेकोरेट ट्रीज विथ लाइट्स एंड गिफ्ट. पीपल पेड़ को सजाते हैं किससे? लाइट से और गिफ्ट से. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्या है? दिस इज ट्रू स्टेटमेंट. फोर्थ इज On this day, people visits
टेम्पल एंड प्रे। इस दिन लोग कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। नो, द पीपल आर गोन टू द चर्च, नॉट ऑन टेम्पल। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स स्टेटमेंट राइट हेयर, फॉल्स। लोग कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं, ना कि टेम्पल में। ओके, नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज एफ, दैट इज क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर रहेंगे हमारे। क्वेश्चन वन, व्हाई एंड हाउ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्यों और किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर राइट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेयर आंसर, क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बिकॉज जीसस क्राइस्ट वॉज बर्न ऑन दिस डे। क्रिसमस मनाया जाता है क्योंकि जीसस क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट का उस दिन जन्म हुआ था। ओके, पीपल सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट फेथ एंड मैरीमेंट। और लोग कैसे मनाते हैं उसका आंसर, दिस इज उसका आंसर ये है, पीपल सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट फेथ एंड मैरीमेंट। लोग इसे बहुत आस्था और इंजॉयमेंट, उत्साह के साथ मनाते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड केक, वो मिठाइयाँ और केक बांटते हैं। दे ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउसेज एंड गो टू द चर्च, और वो मंदिर को हाउसेस घरों को सजाते हैं और चर्च में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू पीपल डू ऑन क्रिसमस? लोग क्रिसमस के दिन क्या करते हैं? आंसर इज पीपल डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों को सजाते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एंड केक, वो मिठाइयाँ और केक बांटते हैं। क्रिसमस ट्री इज ऑल्सो डेकोरेटेड, क्रिसमस ट्री है उसको भी सजाया जाता है। दे ऑल्सो सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स टू दियर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ग्रीटिंग कार्ड भी भेजते हैं। ओके, डू दिस वर्क इन योर फेयर इंग्लिश रीडर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Good morning dear students, welcome to our YouTube online classes. Today we started subject is science for class 2nd lesson 7. Today we are doing word meaning, word meanings of lesson 7. Okay, first is skeleton, S-K-E-L-E-T-O-N, skeleton, kankal. Second is posture, P-O-S-T-U-R-E, posture, asan. Third is exercise, E-X-E-R-C-I-S-E, exercise, vayam. Fourth is frame work, F-R-A-M-E, frame work, W-O-R-K, work, bunyadi dhacha. Fifth is delicate, D-E-L-I-C-A-T-E, delicate, delicate hota najuk. Sixth is wrist, W-R-I-S-T, wrist, kalai. Here W is silent, W-R-I-S-T, wrist, kalai, means kalai. Seventh is rib cage, R-I-B-C-A-G-E, rib cage, panjar. Eighth is skull, S-K-U-L-L, skull, skull means khopri. Ninth is joint, J-O-I-N-T, joint, joint hota hai jod, joint means jod. 10th is muscles, M-U-S-C-L-E-S, muscles, mass, pesiyan. 11th is bones, B-O-N-E-S, bones, haddiyan. 12th, cheese, paneer, C-H-E-E-S-E, cheese, paneer. Okay. In previous video, we read this lesson. Now, our topic is muscles. Today's our topic is muscles. Muscles means क्या होता है? मांसपेशियां. Muscles are soft part that covers our bones. Muscles हमारी body में वो soft part है, नाजुक हिस्सा है जो हमारी body को, हमारी bones को cover करके रखता है. जो हड्डियां हैं हमारी उनको cover करके रखता है कौन? Muscles. Muscles help us move द बोन्स. मसल्स किस में हेल्प करता है?
बोन्स को मूव करने में, हड्डियों को घुमाने में मसल्स ही हमारी हेल्प करता है। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 मसल्स। एक इंसान के शरीर में कितने मसल्स होती हैं? 600 से ज़्यादा मसल्स होती हैं। द स्किन कवर्स द मसल्स, और मसल्स के ऊपर जो हमारे स्किन दिखाई देती है इसी ने उस मसल्स को कवर किया हुआ है। एंड बोन्स, दोनों बोन्स को भी हमारे स्किन ने कवर कर रखा। मसल्स और बोन्स दोनों को हमारी स्किन ने कवर करा हुआ है। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एज ए टीम एंड हेल्प अस टू, मसल्स और बोन्स हैं ये दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं एक टीम की तरह, और हमारी हेल्प करते हैं किसमें? बेंड करने में, ओके, यानी बेंड करने में, झुकने में, स्टैंड करने में, खड़े होने में, सिट करने में, बैठने में, वॉक करने में, चलने में, रन करने के लिए, दौड़ने के लिए, बेंड मुड़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्चर, ओके, दिस मसल्स इज अंडरस्टैंड बाय यू। मसल्स और बोन्स ये दोनों एक टीम की तरह वर्क करते हैं, और टीम की तरह वर्क करते हैं और हमारी हेल्प करते हैं किसमें? बेंड करने में, स्टैंड करने में, सिट करने में, वॉक करने में, रन करने में। बेंड मींस मुड़ने में, स्टैंड खड़े होने में, सिट बैठने में, वॉक चलने में, रन दौड़ने में। पोस्चर इज द बॉडी, नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्चर। पोस्चर इज द बॉडी पोजिशन वी हैव वाइल स्टैंडिंग सिटिंग वॉकिंग। तो पोस्चर क्या है? एक बॉडी का पोजिशन है जब हम खड़े होते हैं, बैठते हैं या चलते हैं, वो पोजिशन जो बॉडी का होता है वही पोस्चर कहलाता है। पोस्चर मीन्स होता है आसन। वी मस्ट ऑलवेज हैव एन अपराइट एंड स्ट्रेट पोस्चर, और हमें हमेशा कैसा पोस्चर होना चाहिए हमारी बॉडी का? हमेशा स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए, ये नहीं कि हम मुड़ के बैठें, ओके, हमारा पोस्चर हमेशा सीधा होना चाहिए। टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट हैव द करेक्ट पोस्चर वाइल सिटिंग स्टैंडिंग बेंडिंग और मूविंग। क्या? टू कीप आवर बोन्स एंड मसल्स हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, अपनी बोन्स हड्डियाँ और मसल्स को, हड्डियों और मसल्स, बोन्स एंड मसल्स हड्डियों और मांसपेशियों को हेल्दी यानी स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए हमारा कैसा पोस्चर रखना चाहिए? एक करेक्ट पोस्चर रखना चाहिए जब हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, बेंड करते हैं या मूव करते हैं। बैठना, खड़ा होना, मुड़ना, बेंड करना और मूव चलना, जब भी हम पोजीशन में रहते हैं तो हमें करेक्ट पोस्चर में रहना चाहिए ताकि हमारी बोन्स और मसल्स कैसी रहे? हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहे। करेक्ट पोस्चर कीप्स द बॉडी इन गुड शेप, और करेक्ट पोस्चर, एक सही पोस्चर हमारी बॉडी को क्या देता है? अच्छा शेप देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज एंड प्रॉपर फूड, यानी एक्सरसाइज मींस व्यायाम करना, प्रॉपर फूड, हमें किस तरह से अपनी बॉडी के लिए, एक हेल्दी बॉडी के लिए फूड लेना चाहिए। इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी बोन्स, हमारी हेल्दी, हमें क्या एक मोटिव है? हेल्दी बोन्स अगर हमें बनानी है तो इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी बोन्स अच्छी मजबूत हड्डियां बनाने के लिए वी नीड टू हैव हेल्दी फूड। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एक हेल्दी फूड की ज़रूरत पड़ेगी, सच एज मिल्क, चीज़, एग्स, जैसे मिल्क, दूध हो गया, चीज़, पनीर, एग, अंडे, इन सब को हमें ईट करना चाहिए, एक हेल्दी फूड लेना चाहिए अगर हमें क्या चाहिए? अपने हेल्दी बोन्स चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स, और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए वी नीड टू एक्सरसाइज एंड स्टे एक्टिव, और स्ट्रॉन्ग मसल्स के लिए हमें
प्रॉपरली एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्टिव बने रहना चाहिए, ये नहीं कि हम लेज़ी हो, हम कुछ काम करने में आलस नहीं करना चाहिए. ओके, एक्टिविटीज सच एज साइकिलिंग, स्विमिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स कीप द मसल्स वर्किंग वेल. जैसे एक्टिविटीज़ हैं किस तरह से, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, प्लेइंग स्पोर्ट्स कोई गेम खेलना, कीप द मसल्स वर्किंग वेल. ऐसा करने से, इन एक्टिविटीज़ को करने से हमारे मसल्स लगातार काम करती रहती हैं और अच्छे से काम करती हैं. हेल्दी फूड एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज़ असेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग मसल्स एंड बोन्स. जो हेल्दी फूड है और रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड ईट करने से और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है. किसके लिए? एक स्ट्रॉन्ग मसल्स और बोन्स के लिए, अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग मसल्स और बोन्स के लिए हेल्दी फूड, अच्छा भोजन और रेगुलर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, डू द वर्ड मीनिंग ऑफ लेसन 7 इन योर नोटबुक एंड रीड द चैप्टर अगेन. Once again, thank you and have a nice day.